नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे उरी हमले के गुनाहगार। गृहमंत्री की पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग। गृह सचिव का दौरा आज। हमले की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर ने की निंदा। उपराष्ट्रपति ने कहा, सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद का नतीजा। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कड़े कदम उठाने पर जोर। जल बंटवारे पर कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक आज। कर्नाटक के मांड्या, मैसूर समेत कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीएमके की केंद्र से प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कुपोषण से पीड़ित 177 बच्चे अस्पताल में भर्ती। 60 की हालत गंभीर, कांग्रेस ने की जांच की मांग। रूस में निचले सदन के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी जीत की ओर। यूनाइटेड रशिया पार्टी को 53% से ज्यादा वोट हासिल। क्रीमिया में पहली बार मतदान। भारत ने उरी हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से बरामद सामान पाकिस्तान के हैं। कल हुए इस हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जवानों की मौत पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उरी हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उरी में हमला करने वाले आतंकी प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थे। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और आतंकी समूहों को पाकिस्तान के लगातार और सीधे समर्थन पर निराशा जताई। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए कहा कि उसे अलग थलग किए जाने की जरूरत है। सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि मारे गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से था और बरामद हथियारों में पाकिस्तान की छाप भी पाई गई है। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. DGMO रणबीर सिंह ने बताया कि उरी के आतंकी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 14 जवानों की जलने से मौत हुई। चारों आतंकी भी जवाबी कार्रवाई में मारे गए। सेना ने पाकिस्तानी हरकत का माकूल जवाब देने की भी बात कही है। That the Indian Army remains prepared to thwart any nefarious designs of the adversary, and any evil designs of the adversary shall be given a befitting response by us. इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने कश्मीर का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह और रक्षा सचिव समेत कई आला अधिकारी शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके राज्य के ताजा हालात की जानकारी उन्हें देंगे। और फिलहाल हम रुख करेंगे शक्ति शर्मा का, स्थानीय संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए। शक्ति, ताजा हालात के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तमाम में से जवान थे जो जख्मी थे, उनकी हालत के बारे में भी क्या पता लग रहा है और क्या क्या और सबूत मिल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से कल ये एक बड़ा आतंकी हमला जो है उरी सेक्टर में किया गया आतंकियों द्वारा, तो उससे उसको लेकर सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरह से लगातार कल से जैसे मीटिंग का दौर जो है वो चल रहा है। इस वक्त जो हालात हैं वहां पर इंटरनल मीटिंग जो है वो लगातार सेना की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतने बड़े आतंकी हमले का मंसूबा किस तरह से रचा गया था और किस तरह से ये आतंकी सेना के कैंप के अंदर घुस के इतनी बड़ी घटना को अंजाम उन्होंने दिया, ये तह तक पहुंचने के लिए पूरी जो है वो जांच एजेंसियां कल से ही जुटी हुई हैं। और जो आपने बात की कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे उनमें से अभी जो है वो 6 की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जाती है, लेकिन उसके बाद तमाम तर जो बाकी घायल थे उनको जो है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया है, राजौरी यहाँ उरी से,
और ये अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर जो एजेंसीज हैं उनका ये मानना है कि इनके जो कस्तो बादशाह में जो सबूत मिले हैं, इससे जाहिर है कि काफी लंबे अरसे से ये मंसूबा जो है वो रचा गया होगा। काफी देर से इस जबकि वो जो उड़ी सेक्टर है बिल्कुल सीमा के पास है और इससे पहले भी यहाँ पर ये निशाने में रहा है। सुरक्षाकर्मी जो है उनके पास ये भी सबूत मिले हैं कि ये आतंकी जो है कुछ दिन पहले जो है सीमा पार करके यहाँ पर आए और इनकी तादाद भी जब सीमा पार की है इन्होंने, इनकी तादाद 6 से 8 जो है उठाई जाती है, तो उसके बाद 4 आतंकी जो घुसे किस तरह। बिल्कुल, जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हैं और जो जो चीज़ें पता लग रही है उसे ये साफ है कि तमाम रणनीति के तहत और लंबी प्लानिंग के बाद ये हमला किया गया। गृह सचिव भी आज दौरा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उरी आतंकी हमले के गुनाहगारों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए जाएंगे। बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बैठक करने जालंधर आए जेटली ने कहा कि पठानकोट के बाद अब उरी में हमला हुआ है। यह आतंकी हमला देश की एकता और सुरक्षा को पड़ोसी की तरफ से मिली बड़ी चुनौती है। वहीं गृह सचिव राजीव महर्षि उरी का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान एक प्रकार से अलग थलग आइसोलेट कंप्लीटली हो जाए, स्वाभाविक है कि हमारी कूटनीति देश की उस दिशा में भी काम करेगी। देश के सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में उरी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने सरकार से ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटने की मांग की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमले की निंदा की है। तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के हमलों से क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने उरी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे कायराना हरकत बताते हुए उम्मीद जताई कि हमलावरों के पीछे खड़ी ताकतों से कड़ाई से निपटा जाएगा। वहीं झांसी में एक रैली के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले में शहीद जवानों के लिए 30 सेकंड का मौन रखा। जो नुकसान है हुआ है उसे पूरा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें और हिम्मत से और बहादुरी से और दिलहरी से जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनका मुकाबला करना होगा और डट के मुकाबला करना होगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के हमलों से क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं CPM ने पाकिस्तान को आतंकियों को समर्थन देने और उकसावे की हरकत बंद करने की चेतावनी दी है। Condemn this terrorist attack and we also want Pakistan to not indulge in this sort of cross-border terrorism and that should be taken up seriously. RJD, JDU, NCP, शिवसेना और DMK समेत तमाम राजनीतिक दलों ने उरी आतंकी हमले की सख्त शब्दों में निंदा की है। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कश्मीर की जो समस्या है घाटी की उसका पूरा लाभ उठा रहा है। भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सब पार्टियों से सलाह मशवरा करके क्या आगे कदम उठाया जाए इसका जरूर विचार करना चाहिए। पूरे कड़ाई के साथ निपटना पड़ेगा और देश को उनको जवाब देना पड़ेगा। हमले के बाद सेना के पूर्व अधिकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जानकारों की भी ऐसी ही राय है। भारत को अभी इसको किसी हालत में भी लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका एक्शन जैसे एक अटैकिंग मुल्क पर होता है दूसरा मुल्क उसका जवाब देता है वो करना चाहिए। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता AK एंटनी ने सुरक्षा चूक को उरी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार से सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उरी हमले के लिए एक खास देश को जिम्मेदार ठहराया है। वेनेजुएला से जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि ये सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे उकसावों का उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में उन्होंने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताया था और कहा कि सदस्य देश इससे निपटने के लिए प्रभावी तंत्र बनाए।
शिखर बैठक से इतर उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ मुलाकात करके आतंकवाद समेत कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उरी आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उरी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट करके कहा कि हमारी संवेदना उरी हमले में शहीद वीर सैनिकों के परिवारों के साथ है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता भी जताई। तो एशियाई मानवाधिकार आयोग में रिसर्चर बसीर नावेद ने माना कि कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाने में जुटा हुआ है। टेररिज्म इज देयर इन द कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स आर गोइंग फ्रीली ओवर देयर। वी कांट से दैट स्टेट इज इन्वॉल्व, बट द स्टेट पॉलिसीज आर बिहाइंड दैट दे कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को एक और झटका लगा है। रविवार को पार्टी नेता निसार अहमद मांडू ने इस्तीफा दे दिया। मांडू ने कहा कि वो कश्मीरियों के साथ हो रही हिंसा के साथ खड़े नहीं हो सकते। मांडू पार्टी की श्रीनगर इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान बीजेपी पीडीपी गठबंधन की नीतियों को जन विरोधी भी बताया। मांडू ने कहा कि पार्टी का गठन घाटी के लोगों के जीवन और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन आज पार्टी इन सिद्धांतों से भटक गई है। निसार अहमद मांडू हाल ही में पीडीपी छोड़ने वाले दूसरे नेता हैं। इससे पहले तारिक हमीद कर्रा ने भी 15 सितंबर को पार्टी छोड़ दी थी। कर्रा पीडीपी के संस्थापक सदस्य और पार्टी की तरफ से लोकसभा सदस्य भी थे। उन्होंने घाटी में आम नागरिकों की हत्या के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दिया था। उरी हमले के 24 घंटे के अंदर ही अनंतनाग जिले के दयाल गांव में आतंकियों ने हमला किया। रविवार रात करीब 6 आतंकवादियों ने पीडीपी नेता जावेद अहमद के घर पर गोलियां बरसाई। हमले के दौरान आतंकवादियों ने आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से हथियार भी छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आतंकवादियों की पहचान करने के लिए दक्षिण कश्मीर में चेतावनी जारी कर दी है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हिंसा के दौरान कई पीडीपी नेताओं के घर पर हमले हुए थे। कुछ दिन पहले अलगाववादियों ने दक्षिणी कश्मीर के कुलगांव में पीडीपी के नेता और राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे के घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी आग के हवाले कर दिया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तनाव के चलते छठे दिन भी कर्फ्यू जारी है। रविवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी थी, लेकिन शाम के वक्त लोगों ने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन को फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू को नहीं मानने पर पुलिस के अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि शहर से सेना के जवानों की संख्या को कुछ कम किया गया है। पिछले बुधवार को इलाके में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद दुकानों में तोड़फोड़ और जमकर पथराव हुआ था। इस घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। और खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। समाजवादी पार्टी में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। रविवार को एक बार फिर पार्टी में पर्दे के पीछे चल रही खींचतान सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद सदस्य अरविंद यादव को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी की तरफ से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अरविंद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर किया गया है। विज्ञप्ति में यह भी लिखा गया है कि अरविंद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान पर बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता को चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस का केंद्र सरकार को घेरने का सिलसिला जारी है। रविवार को झांसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान छोटे और दुकानदारों और किसानों का होता है, लेकिन आज वही लोग बदहाली के आंसू बहा रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद किसानों की मदद करने के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों की ही मदद कर रही है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उरी में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया। जौलान के रास्ते में राहुल गांधी ने विजय माल्या और ललित मोदी के साथ योग गुरु रामदेव पर भी सवाल उठाए। मगर जब आपके मित्र विजय माल्या 10,000 करोड़ ले जाते हैं तो आप उसे डिफॉल्टर कहते हो? खाट सभा चल रही है, आप उसे डिफॉल्टर कहते हो क्यों? मणिपुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सभी 4 विधायक रविवार को राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थौना उजाम श्याम कुमार भी शामिल हैं। कांग्रेस ने शामिल हुए नेताओं ने टीएमटी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। राजधानी ईटानगर में बीजेपी और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के संयुक्त विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। इससे पहले राज्य में 26 संसदीय सचिवों को पेमा खांडू सरकार में शामिल किया गया। ईटानगर में कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इन सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पार्टी के 43 विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए में शामिल हो गए थे। कावेरी विवाद को लेकर आज दिल्ली में कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है। इसमें कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले 12 सितंबर को कावेरी जल विवाद के मामले पर कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ कि विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार की इकाई केंद्रीय जल आयोग अब तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी से मिले पानी के इस्तेमाल के डेटा के बजाय अपना डेटा इकट्ठा करेगी। इसके आधार पर ही जल बंटवारे पर फैसला होगा। इस बीच तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने केंद्र सरकार से कावेरी विवाद पर कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने इस दौरान हुए हिंसा की निंदा करते हुए पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही है। डीएमके ने राज्य की सत्तारूढ़ एआईएडीएमके पर इस मामले से सही तरीके से नहीं निपटने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 20 सितंबर तक 12,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार एक साथ 3 तलाक की व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानून मंत्रालय इस महीने के आखिर में विस्तृत जवाब दाखिल करेगा। इस मुद्दे पर गृह वित्त और महिला और बाल विकास मंत्रालयों सहित अंतर मंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में 3 तलाक के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत से कहा था कि सुधारों के नाम पर पर्सनल लॉ फिर से नहीं लिखा जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की अपील की है। पिछले 6 साल में चिकनगुनिया अपने सबसे भयावह रूप में उभर आया है। डेंगू और चिकनगुनिया से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 2800 से ज्यादा लोग अब भी इससे पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण का मामला सामने आया है। यहां बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अकेले श्योपुर में करीब 461 बच्चे कुपोषित हैं। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सरकार के तमाम दावों के विपरीत मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले सामने आ रहे हैं। ये नजारा है श्योपुर का, जहां कुपोषण के शिकार ये बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस इलाके में अब तक कुपोषण के 177 मामले सामने आ चुके हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 60 से ज्यादा बच्चों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। 177 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से 50 से 60 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं और यहाँ पे मेडिसिन डाइट का उनका बेड का पूरी व्यवस्था है, मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है। श्योपुर जिले के कई गांवों में बच्चे तेजी से कुपोषित हैं। बच्चों की लगातार बढ़ती सेहत को लेकर परिजन खौफ में हैं। सरकार की तरफ से सर्वे टीमें इलाके में जाकर समीक्षा कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्योपुर में करीब 461 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।
गरीबी की मार झेल रहे ये लोग सरकार की तरफ से मदद न मिलने की वजह से नाराज हैं। के दलिया आता है वो दलिया नहीं बढ़ता है, यहाँ मवेशी खाती है और जो बढ़ता है तो बेकार थैली आती है। वो यहाँ कुपोषण फैल रहा है, बाल बच्चे को परेशानी आती है और बाल बच्चे को मरीज हो जाते हैं तो डॉक्टर देखते नहीं। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इलाके का दौरा किया और पीड़ित परिवारों समेत मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की। तो चाहूंगा कि एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए कि गड़बड़ियां हुई हैं वो कहां हुई हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में हर साल कुपोषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नंदी फाउंडेशन की तरफ से 2011 में भूख और कुपोषण पर किए गए सर्वे के मुताबिक हर साल 42% बच्चे वजन में कमी का शिकार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूसी संसद से के निचले सदन ड्यूमा के लिए हुए मतदान में यूनाइटेड एशिया पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक पार्टी को 53% से ज्यादा वोट हासिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं एलडीपीआर को 18.39 और कम्युनिस्ट पार्टी को 17.24% वोट हासिल हुए हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी को 2011 में हुए संसदीय चुनाव के मुकाबले इस बार कम समर्थन मिलने की संभावना है। राष्ट्रवादी एलडीपीआर और कम्युनिस्ट पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। यह पहला मौका है जब क्राइमिया में रूस ने संसदीय चुनाव कराए हैं। इस चुनाव के जरिए ड्यूमा के लिए अगले 5 साल के लिए 450 सांसदों को चुना जाएगा। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी मौजूदा 238 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करेगी। यूनाइटेड रशिया पार्टी पिछले 17 साल से सत्ता में है। 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये संसदीय चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। चुनाव में जीत से 2018 में पुतिन के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो सकेगा। 2011 के बाद रूस में ये पहले संसदीय चुनाव हैं। तब धांधली के आरोपों में रूस में कई दिन तक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आज से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 71वें अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। अधिवेशन के एक हफ्ते तक चलने और मुख्य चरण के लिए 195 देशों के नेता न्यूयॉर्क में जुटे हैं। अधिवेशन के दौरान दुनिया भर के नेता महासभा को संबोधित करेंगे। इस बार भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगी। रविवार को जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत संयुक्त राष्ट्र में पड़ोसी देश से आतंकवाद का मामला उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में पहली बार शरणार्थियों के मुद्दे पर चर्चा होगी। अधिवेशन में सीरिया में गृह युद्ध और संघर्ष विराम के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए ये आखिरी अधिवेशन है। दोनों का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है। वहीं सीरिया में जारी युद्ध विराम के बीच अचानक हुए अमेरिकी हवाई हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में सीरिया ने विरोध दर्ज कराया है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत बशर जाफरी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सीरिया में अचानक हुए हमले में सीरियाई सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए थे। कई सैनिकों की घायल होने की भी खबर है। रूस ने अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले पर एतराज जताया है। हालांकि अमेरिका ने खेद जताते हुए कहा कि हादसा गलतफहमी के चलते हुआ। बात खेलों की दुनिया की। रियो में पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह में 2020 के खेलों के लिए टोक्यो को ध्वज सौंपा गया। ब्राजील की राजधानी में पैरालंपिक का आयोजन बेहद शानदार रहा। 11 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में चीन का दबदबा रहा। उसके बाद ब्रिटेन, यूक्रेन और अमेरिका का स्थान रहा। इस बार भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत के 19 सदस्यीय दल को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य समेत 4 पदक मिले हैं, जो अब तक के पैरालंपिक खेलों में सबसे ज्यादा है। पुरुषों की ऊंची कूद में मरियप्पन थंगा वेलू ने स्वर्ण, जबकि वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में दीपा मलिक ने पैरालंपिक इतिहास का पहला पदक भारत को दिलाया। उन्होंने शॉटपुट की F53 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत के नाम एक और स्वर्ण देवेन झाझरिया ने दर्ज कराया।
झाझरे ने जावलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। और डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ टेनिस मुकाबले से भारत बाहर हो गया है। स्पेन ने रविवार को हुए रिवर्स एकल वर्ग के दोनों मुकाबलों में भारत को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही स्पेन ने डेविस कप विश्व ग्रुप में जगह पक्की कर ली है। दिल्ली में हुए आखिरी मुकाबले में 13वें विश्व वरीयता प्राप्त डेविड फेरर ने भारत के रामकुमार रामनाथन को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हराया। इससे पहले हुए एक और मुकाबले में युवा खिलाड़ी सुमित नागल ने मार्क लोपेज के साथ खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन नागल को लोपेज के हाथों 6-3, 1-6, 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। और अब आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे उरी हमले के गुनाहगार। गृहमंत्री की पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग। गृह सचिव का दौरा आज। हमले की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर ने की निंदा। उपराष्ट्रपति ने कहा, सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद का नतीजा। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कड़े कदम उठाने पर जोर। जल बंटवारे पर कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक आज। कर्नाटक के मांड्या, मैसूर समेत कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीएमके की केंद्र से प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण से पीड़ित 177 बच्चे अस्पताल में भर्ती। 60 की हालत गंभीर। कांग्रेस ने की जांच की मांग। रूस में निचले सदन के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी जीत की ओर। यूनाइटेड रशिया पार्टी को 53% से ज्यादा वोट हासिल। क्रीमिया में पहली बार मतदान। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है इसका।